हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 करेंगे। लेसन का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये लेसन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत स्पेशल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि इस लेसन में से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए 2 मार्क्स का हो गया। और इसके सभी क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर उसका अपना एक विशेष स्थान है। इस लेसन के अंदर हम जहाँ 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी पढ़ेंगे, वहीं हम पढ़ेंगे पहाड़िया लोगों और संथाल लोगों के बारे में, और एक उनकी विशेष प्रकार की लड़ाई हल और कुदाल पढ़ी होगी हम आप लोगों ने। और साथ में हम इस लेसन के अंदर 5वीं रिपोर्ट के बारे में, अमेरिका गृह युद्ध के बारे में हमने ये सब उसमें से जाना। और ये लेसन जो है ये विशेषतः इस बात पर जोर देता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया और उसका ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जितना भी आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहती हैं इसमें, साथ ही आपने रिलेटेड वीडियोस भी देखी होंगी, और वो सभी क्वेश्चंस जो पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में आते रहे हैं, बार बार आते रहे हैं, वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसीलिए वीडियो में इस बार हमने 15 क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट, और आज हमारा पहला क्वेश्चन है, रैयत कौन थे? किसान, जमींदार, शाहूकार, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है किसान। हमने पिछले टेस्ट में भी बात की थी कि रैयत जो है वो किसान है, जिन्हें बल्कि फारसी स्रोतों के अंदर आईने अकबरी में मुजरियान, असामी जैसे शब्दों से भी जाना गया। उसके बाद है, अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शंस हैं 57, 1864, 61 और 1865। और इसका सही आंसर है 1861 ईस्वी में, जब अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ तो अमेरिका से कपास इंग्लैंड जानी बंद हो गई, तो इसीलिए इंग्लैंड ने अब भारत में कपास उगाने पर जोर देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत के उद्योगों का भी विस्तार हुआ और भारत में बड़ी मात्रा में कपास उगाई जाने लगी। उसके बाद है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कार्नवालिस। और इसका सही आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अंग्रेजों ने 3 प्रकार के स्थायी बंदोबस्त, 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली अपनाई थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। उसके बाद है, पहाड़िया लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? हल, कुदाल, धराती, धराती मतलब वही है धराती जिसको बोलते हैं ट्रैक्टर। और इसका सही आंसर है कुदाल। पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, कुदाल जिसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर कसी भी कह देते हैं, और जबकि जो संथाल लोग हैं वो हल का प्रयोग करते थे, और इसीलिए जब पहाड़िया लोग और संथालों के बीच में लड़ाई हुई तो उसका नाम पड़ा हल और कुदाल की लड़ाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5वीं रिपोर्ट संसद में कब पेश की गई? 1810, 1813, 1820 या फिर 1825। और इसका सही आंसर है 1813 में। 1813 के अंदर, 1813 में ब्रिटिश संसद के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 5वीं रिपोर्ट पेश की गई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? और इसका ऑप्शंस हैं 1845, 1855, 1865, 1875। और इसका सही आंसर है 1855 में किया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू माझी और कान्हू माझी ने किया था। प्यारे बच्चों, देखो संथालों को खुद राजमहल की पहाड़ियों के आसपास अंग्रेजों ने भी बसाया था, लेकिन अंग्रेजों की विनाशकारी नीतियों के कारण संथाल जो थे उनके खिलाफ हो गए थे।
उसके बाद है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किन के साथ किया गया? ऑप्शन से जमींदारों के, किसानों के, गांव के, या इनमें से कोई भी नहीं। जमींदारों के साथ इसका सही उत्तर है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ, जबकि महालवाड़ी गांव के समस्त भाईचारे के साथ और रैयतवाड़ी किसानों के साथ लागू किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया? बंगाल, पंजाब, असम, मद्रास। और इसका सही आंसर है मद्रास में। 1820 के अंदर थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 9, इलाहाबाद की संधि कब हुई? ये पिछली बार भी और उससे एक साल छोड़ के फिर उससे पहली बार, यानी कि 2-3 बार पिछले 4 सालों में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसके ऑप्शंस हैं 1757, 1773, 1765 और 1764। और इसका सही आंसर है 1765। अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसे इलाहाबाद की संधि कही जाती है। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड वेलचली। और इसका सही आंसर है थॉमस मुनरो। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया, जो कि किसानों के साथ सीधा अंग्रेजों के भू राजस्व लगान से संबंधित था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश काल में भू राजस्व प्रणालियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1791, 1792, 1793, 1795। और इसका सही आंसर है 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ सीधा लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम की खेती, गहन खेती, जैविक कृषि, ये इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है झूम की खेती। थोड़े हिस्से पर खेती की, फिर उसे छोड़ दिया, अगले साल दूसरे हिस्से पर खेती की, फिर उसे छोड़ दिया, फिर उससे अगले हिस्से पर खेती की और कुछ सालों बाद लौटकर पहले हिस्से में खेती की, जो कुछ सालों में दोबारा से अपनी उपजाऊ शक्ति ग्रहण कर चुका था। ऐसी खेती को झूम की खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दामिन एक को क्या था? पहाड़ियों के अधीन भूमि, संथालों के अधीन भूमि, अंग्रेजों के अधीन भूमि, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है संथालों के अधीन भूमि। फिर है बेनामी खरीदारी कौन करते थे? किसान, जमींदार, अंग्रेज, ये इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है जमींदार। जमींदार अक्सर अपनी भूमि को नीलाम होने से बचाने के लिए बेनामिया खरीदारी कर लेते थे। बेनामी क्या है? बिना नाम के या कोई अनजान या अज्ञात व्यक्ति के नाम से उस भूमि को खरीद लेते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको टेस्ट बहुत समझ आया होगा, और जहाँ कहीं कमी लगे आप हमें कमेंट कीजिए, हम आप उसका जवाब अवश्य देंगे। और तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।